प्रहार जनशक्ती पक्षाचे उमेदवार दिनेश गणेश दास बुब यांची मेळघाट येथील चिखलदरा तालुक्यातील टेमरुसोंडा येथे जाहीर सभा घेण्यात आली. या सभेमध्ये मंचावर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू, मेळघाट मतदारसंघाचे आमदार राजकुमार पटेल, उमेदवार दिनेश बुब, देवगावचे सरपंच गजानन येवले, रोहित पटेल आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. दिनेश बुब यांच्या सभांना प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष याही सभेला उपस्थित होते. प्रहारचे उमेदवार दिनेश बुब यांच्या प्रचारार्थ सभा घेण्यात आली. या सभेमध्ये आदिवासी बांधवांना एकदा प्रहारच्या शिटीला मत द्या आणि 5 वर्ष काम पहा असं आवाहन करण्यात आलंय. मेळघाटमध्ये खासदार नवनीत राणा यांनी वितरित केलेल्या 17 रुपयांच्या साडीची टिंगल उडवण्यात आली. एकूणच मेळघाटात होळीला नृत्य करणारी नृत्यांगणा नवनीत अशा शब्दांमध्ये राजकुमार पटेल यांनीही टीका केली. मेळघाटात विकास केला नाही, फक्त भूलथापा दिल्यात. आदिवासी बांधवांना, शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना न्याय मिळून देऊ, MRGSचे पैसे मिळाले नाही, मजुरांना मजुरी कमी मिळते अशा कित्येक मुद्द्यांवर आमदार बच्चू कडू गरजलेत. बच्चू कडू यांच्या वक्तव्यावर टाळ्यांचा गडगडाट सतत सुरू होता. विशेष म्हणजे मेळघाटातील क्रिकेट खेळणाऱ्या युवकांनी सुद्धा एका स्वरामध्ये दिनेश बुब यांनाच मत देऊ. बच्चू कडू शेर आहे तर दिनेश बुब बब्बर शेर आहे या प्रकाराचं वक्तव्य केलंय. आदिवासीचे पैसे होळीच्या आत आले नाही आणि तुम्ही नाचून राहिले. दुःखावर ते काय म्हणते, जखमीवर मीठ टाकल्यासारखं नाही का? नाही समजलं का तुम्हाला? समझला? फिर ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो हमारे जख्म पर मिट डालेगा? अरे आपने ने बोलना था कि मैं होली नहीं करती हूँ इस साल, जब तक हमारे मजदूर का पैसा नहीं मिलता. हमारा राजकुमार वो मंत्रालय के आगे पीछे सब तरफ घूम रहा था, लेकिन बात केंद्र सरकार ने अड़ाई थी, वहां से पैसा नहीं आया था. और इसके लिए हमारे नवनीत जी राणा ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया, एक बार भी सादा लेटर भी नहीं दिया. और तब जाकर हम उनको वोट मारने की बात करते हो तो ये ना इंसाफी होंगी. देखो, बदलाव हम अकेले नहीं ला सकते, बदलाव आप सब साथ में रहेंगे तब ला सकते. हम कोई जात धर्म की बात करने नहीं आए, हम किसान और मजदूर की बात करने आए. और ये चुनाव हम किसान और मजदूर के हित के लिए लड़ रहे हैं, आपके हित के लिए लड़ रहे हैं. और मुझे पूरा विश्वास है हमारा किसान भाई, किसान और मजदूर जिस दिन एक खट्टा हमारे साथ खड़ा होगा, उस दिन हमारे दिनेश भाऊपू हमारा सांसद बनने को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा. हमारे गौड़ी भाई कुछ होंगे, यहाँ दूध के भाव क्यों कम हो रहे, क्या वजह है पता है? आधी फैक्ट्री भाजप की है, आधी भाजप के लोगों की, भेसड़ भेसड़ वाला दूध पाउडर से बनता है. मैंने विधानसभा में आवाज उठाया था कि दूध के भाव बढ़ते बढ़ते क्यों नहीं बढ़ रहा है, ढेप के भाव बढ़ रहे, सब खर्चा बढ़ रहा है. और मैंने ये बोला कि जो हमारे गैया का काम करते, गैया पालते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, गवड़ी हो, कोई भी हो, अरे तुम रासायनिक खत को सब्सिडी देते हैं ना, रासायनिक खत को बड़े बड़े कंपनी को, अगर उसने 2,000-20,000 पोते रासायनिक खत के निकाले तो उसको 50% सब्सिडी देती है सरकार. समझो एक कंपनी को 500-700 करोड़ देती है. तो रासायनिक खत से तो हमारा गोबर अच्छा है, फायदा किससे है? खत से है ना. फिर हमको सब्सिडी क्यों नहीं देते हो? कंपनी वाले को देते हैं, अदानी अंबानी को, हमको नहीं देती सरकार. भाजपा ने तो कम से कम ऐसे 250 कंपनी को सब्सिडी दिया. तो हमारे हित की बात कहीं नहीं हो रही है. उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों का काम करने के बजाय शहर का काम करे. 90,000 करोड़ बोले तो आप समझ नहीं पा रहे. 90,000 करोड़ बोले तो तुम्हारे आदिवासी के पूरे गांव में भी घर में पैसा डाल दिया ना,
तो भी बचेंगे पैसे, समझे नहीं क्या आपको, तो भी बचेंगे। इतने करोड़ का नागपुर से मुंबई रास्ता बनाया, तुम कभी गया उधर, तुम काम करने को गया होगा। हमारे खेत का रास्ता बनी नहीं रहा, सरकार वहां पैसे नहीं डालती, हमको मूर्ख बना रही है, शहर वाले को 2.5 लाख का मकान दे रही है और तुम्हारे को 1.25 लाख का दे रही है, और तो भी पंजा और कमल का झंडा उठा रहा है, कितनी मूर्खता है। ये तो हमारा अपमान है, और ये अपमान का बदला लेना है 26 तारीख को 9 नंबर की बटन, जहां चुनाव निशानी सिक्की होंगी और दिनेश बुब का नाम होगा, सांसद हमारा प्रहार का होगा। आप सभी को यही बातें लेकर आगे बढ़ना है, हम तुम्हारे साथ है बिल्कुल। 3.5 से गुने दाखिल हो गए, विकलांगों के लिए मंत्रालय निकाला, अनाथों का आरक्षण दिया, हमारे किसान की लड़ाई पल पल पर लड़ाई हमने किसी की परवाह न करते हुए। विधानसभा में जब खड़े हो जाते तो पसीना लाते हैं मंत्री को, इसका नाम है प्रहार। जो किसान की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, हमारे पिछड़ा, हमारा वंचित, हमारा मजदूर जो कष्ट करने वाला है, जो काम करता है, उसकी बात रखता है बच्चों को विधानसभा के अंदर। और उसका अगर काम बढ़ाना चाहते हो, इसकी अगर शक्ति बढ़ाना चाहते हो, जो जात और धर्म के बाहर जो काम करने वाला है, उसकी अगर आवाज बनना चाहते हो, तो प्रहार ही प्रहार होगा, हर तरफ प्रहार होगा, हर तरफ सिट्टी बजेगी, और एक ही सांसद होगा, वो दिनेश बू होगा, दिनेश बू होगा। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ और यादव शब खत्म करता हूँ। अमरावती लोकसभा चुनाव के अंदर मेलघाट दौरे पर निकले हैं प्रहार के प्रत्यक्ष दिनेश बू। दिनेश बू यहाँ पर टेम्पो सोडा में सभा लेने के बाद आगे की ओर कूच कर रहे हैं। दिनेश भाई, ये सभा के अंदर 1 घंटा लेट पहुंचे, और क्या कारण है जानेंगे, और सभा को कैसा प्रतिसाद मिला है? सभा को जोरदार प्रतिसाद है, किसी को पैसे देके लाने का काम नहीं है। आदिवासी बांधव स्वयं स्फूर्ति से आ रहे हैं, और लेट होने का कारण ऐसा है कि आशे गांव के पास में एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था, शादीशुदा बच्ची का, और वो सर को मार लगा, दोनों पैर को मार लगा। हमने हमारे गाड़ी में उनको शिफ्ट किया, जब तक का उनको प्रॉपर व्यवस्था हुई नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं, तब तक का हमने रुकना अपना कर्तव्य समझा। बीच में दो सभा थी, एक स्वागत था, वो हम रद्द करके हम यहाँ पहुँचे। मेलघाट के अंदर कैसा आपको ये मिला, आज मेलघाट में बनाया, मेलघाट की जन समस्याओं को सुना, खुद मेलघाट के टाइगर राजकुमार जी पटेल आपके साथ? राजकुमार जी है ही, और सबसे महत्व की बात यह है कि मैं मेलघाट का ही पुत्र हूँ, मेरा गांव सिंधी बुजुर्ग है, तो मेरा घरेलू मतदार संघ है ये, और मेरे को अभी तक का एक तीसरा चक्कर होगा। मेरे को आदिवासी बांधव ये भी नहीं बोल रहे कि आप आओ बार बार, जितना है उतने में मेरा समाधान है, अब मैं बाकी का समय बाहर दे सकता हूँ। आज सुबह से आपने एक बड़ी बड़ी रैलियाँ संबोधित की, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली है, क्या क्या प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, जो शहर की जनता है, ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रतिसाद कैसे? अमूमन ये होता है कि शहर की हवा ग्रामीण भाग में जाती है, ये इलेक्शन में ग्रामीण की हवा शहर में आ रही है, और काफ़ी अच्छा वातावरण अमरावती में बन चुका है। हमारे साथ है राजकुमार जी पटेल, जो कि जिनका नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। ये पहले दिल्ली और मुंबई के नेता जो है वो सीट घोषित करते थे, लेकिन प्रहार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार की सीट ये राजकुमार पटेल आमदार है जो मेलघाट के उन्होंने घोषित किया, क्या कहेंगे? बच्चू और प्रहार जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ताओं ने, इन्होंने सबने तय किया था कि हमको लड़ना है, लड़ेंगे तो प्रहार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, वरना हम कोई दूसरी पार्टी को समर्थन करेंगे नहीं। और प्रहार जनशक्ति पार्टी ने निर्णय लिया है, साथ ही साथ हमको दूसरे जो पार्टी है उन्होंने भी कहा कि अगर मान लो तुमको लड़ाना है दिनेश बू को लड़ाओ, तुम्हारा सीट आसानी से निकल जाए। नवनीत राणा के पास में केवल जातिवाद और धर्म के अलावा कोई दूसरे मुद्दे नहीं, ऐसा लगता है आपको कि विकास की कोई बात ही नहीं हो रही है? नवनीत राणा जी को मेन घाट की दो समस्या अच्छी तरह मालूम है, और बताने वाला मैं हूँ, कहीं मैं 17-18-20 बार बोल दिया। मैंने बोला हमारा होली सबसे बड़ा त्यौहार है, तो होली बातें रहते हैं। मैंने बोला पहले मजदूरों को पेमेंट मिला नहीं, 3 महीने के पेमेंट मिला नहीं, होली अंधेरे में चले जाएगा। दूसरा हमारा एनओसी रुका हुआ है, 2 साल से रुका हुआ, वो एनओसी ला दो, हम आपके काम करने के लिए तैयार है। दिनेश जी को खड़ा करने का सवाल नहीं उठा था।
जब किए ही नहीं, एक भी काम नहीं किया मिलता। आपको जो लगता है राजपाल जी, जैसे आपने मेलघाट की समस्या जानी है, टाइगर प्रोजेक्ट के जो विषय है, जहाँ रास्ते होना चाहिए, यानी जानवर के लिए जरूरी रास्ता है कि इंसान के लिए जरूरी है, किसान के लिए जरूरी है, इसके लिए खासदार के रूप में दिनेश बुट चाहिए ऐसा लगता है? वो सिर्फ खासदार इसलिए अपना, हम टाइगर प्रोजेक्ट और फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, हमें हर संभव सहायता हमको एनओसी देते हैं। अभी आपको बता दो, हरिसाल से चौरा कुंड के बीच में बगैर डाइवर्सन के कुंड में काम चल रहा है, अब गाड़ी निकली कहाँ से, डाइवर्सन के लिए भी एनओसी लगते हैं, शुरू कर दें वैसे कॉन्ट्रेक्टर करेंगे क्या? तो हमको अपना खासदार होना, जो कि हम उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे बोल दे। एक अंतिम प्रश्न, जो साड़ियाँ बांटी है होली के अंदर नवनीत राणा जी ने और किराना और जो भी लालच दिया जा रहा है आदिवासी बांधवों को, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई जा रही है, क्या कहेंगे? मेलघाट में जो आदिवासी की जो साड़ी बांटी है, एक तो सबसे पहले ये आदिवासी की बेइज्जती कराए, आदिवासी की हंसी को मजाक उड़ाए। हमारे आदिवासी समाज है ना, स्वाभिमानी समाज है, वो कर्ज ले लेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ये ऐसे समाज है, ऐसे हमारे गरीब समाज का अपमान किया है और इसका बदला हम उठाएंगे। हमारा स्वाभिमान कभी नहीं खोएंगे। राजकुमार जी पटेल ने कहा कि आदिवासी चोर नहीं होता है, आदिवासी जो है भिखारी नहीं होता है, वो काम करता है, अपनी मेहनत की खाता है, वो अमरावती से परतवाड़ा पैदल आ जाएगा लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ेगा। और जिस प्रकार से सांसद नवनीत राणा ने साड़ियां बांटकर अपमान किया है, इस अपमान का बदला हम आने वाले 26 तारीख को लेंगे। ऐसी प्रतिक्रिया विधायक राजकुमार पटेल द्वारा कही जा रही है। मैं कैमरा मैन अजय काकड़े के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़, टेमुर सोंडा।